अब बात करते हैं बुरहानपुर की, जो कि अब भाजपा की गुटबाजी का अखाड़ा बनता जा रहा है। भाजपा खुद ही भाजपा को हरवाने में सहायक होगी, और ऐसा इसलिए कि भाजपा के टिकट वितरण से कई वार्डों के पार्षद बागी होकर अपने प्रत्याशी मैदान में उतार चुके हैं। ऐसा ही एक मामला सिद्धी बस्ती क्षेत्र के सटोरी लखू कोटवानी का है। भले ही लखू के खिलाफ लालबाग थाने में सट्टा अर्जुआ के कई मामले दर्ज हों, लेकिन पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह चौहान गुट के इस पूर्व विधायक ने बागी तेवर अख्तियार करते हुए पिछड़ा वर्ग की मीना कुमारी मनीषा गोसावी को भाजपा प्रत्याशी के सामने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि बुरहानपुर में नंदू भैया के स्वर्गवास के बाद अब चिटनेस गुट का प्रभाव बढ़ गया है, जिसके चलते नंदू भैया गुट के कई पार्षदों की टिकट कट चुके हैं। जब लखू कोटवानी को लाल बाग पुलिस ले गई तो क्षेत्र के सिंधी समाज में रोष उत्पन्न हो गया। लखू कोटवानी 3 बार पार्षद रहे हैं। भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी के चलते जो प्रपंच उपजा, उसे क्षेत्र के व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी, जिसके बाद महापौर मुर्दाबाद भाजपा का सुपड़ा साफ जैसे नारे भी लगाए गए। प्रचार प्रसार छोड़कर महापौर माधुरी पटेल के पति पूर्व महापौर अतुल पटेल को मौके पर पहुंचना पड़ा। मौके पर पहुंचे अतुल पटेल अपने समर्थकों पर नाराज हो गए, साथ ही निर्दलीय बागी प्रत्याशियों के समर्थकों पर नाराज होते हुए खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद महापौर का गुस्सा देखते हुए लोग उन्हें मनाने लगे। पानी पिलाया और हार पहनाकर मिठाई खिलाकर उन्हें विदा किया। भाजपा की गुटबाजी से भाजपा के गुटबाजों को वर्तमान और भविष्य का चुनाव भारी पड़ सकता है। विराट 24 न्यूज के लिए बुरहानपुर से हेमराज रघुवंशी की रिपोर्ट। आपने देखा, मैं तो बाद में प्रचार है वहाँ से बोलने आया कि कोई हमारे पूर्व पार्षद लखू को कोई पुलिस ले गई होगी, और यहाँ कुछ नारेबाजी बता रहे थे महापौर के खिलाफ नारे भाई। मैंने ठीक है, वहाँ उसलिए नहीं आया था मेरे खिलाफ, वो तो सब बहुत दिन रहते मैंने बोले, लेकिन चूंकि यहाँ आए लगे तो उसको देखा तो पता क्या था, क्या हिसाब से बात की, तो कोई उनकी पुरानी कंप्लेंटें होगी उस दृष्टि से उठाया होगा। ऊपर से उनको प्रेशर था कि लखूबा चुनाव जीत रहे हैं, हम हार रहे हैं, इसके लिए प्रेशर से इनको कोई भी प्रेशर दबाओ। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा TI साहब का, लालबाग थाने का, इन्होंने मेरे को बहुत सहयोग किया। मेरे पे कोई आरोप नहीं है, मेरे पे कोई केस नहीं है। उन्होंने मेरे से बयान लिए, क्या कर रहा है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरी लड़की चुनाव लड़ा रहा हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं लड़की चुनाव लड़ रहा हूँ। अब वो बौखला गए, किसके द्वारा प्रेशर दिया जा रहा है? ऊपर से प्रेशर दिया गया BJP की तरफ से, हम कांग्रेस, हम निर्दलीय लड़ रहे हैं इसके लिए। कौन बौखला गया? ऊपर के लोग बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मालूम, मेरे को कुछ नहीं मालूम, मेरे को टीआई साहब बुलाया। आपके कोई पुराने मामले में मुझे? कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरे को पुलिस ने बहुत सहयोग किया, पुलिस प्रशासन ने बहुत सहयोग किया, बहुत सहयोग किया मेरे को पुलिस प्रशासन ने। मैं इसको ला रहा हूँ लड़की को, इसके लिए बौखला गया है कि हम हार रहे हैं, इसके लिए हमको दबाव डाल रहे हैं। यहाँ पर महापौर के पूर्व मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की है समाजजनों ने। अब मेरे को कोई मतलब नहीं उससे, मैं इसको जिता रहा हूँ, ये डंके जो जीतेंगी BJP जमा जब्त कराऊंगा बस्ती से। लखूबाई कोटवानी अभी 1 घंटा पहले लगे थे, मेरे से बयान लिए, पूछताछ करी, मेरे को टॉर्चर बहुत किया कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। मैं समाज सेवा करता हूँ, समाज सेवा करता रहूंगा, कितना भी दबाव डालो मैं समाज की सेवा करता रहूंगा। मैं क्या करते हो, क्या कर रहे हो, चुनाव क्यों लड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रेस क्यों लड़ रहे हो? मैंने बोला मैं समाज सेवा के चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं बच्ची को चुनाव जिता रहा हूँ, मेरा कोई किसी स्वार्थ नहीं है। जो महानदेव भी आएगा, बच्ची खाते भी आएगा, मेरे को पैसे ला लेंगे, मेरा एक ही मकसद है, सिर्फ समाज की सेवा करता रहा हूँ। BJP के समर्थक भी रहा हूँ पहले, लेकिन इस बार मेरे को टिकट दिया नहीं, मैंने निवेदन किया था टिकट इसको दियो BJP से तो मैं जिताऊंगा उसको, लेकिन मेरी किसी ने एक नहीं सुनी, किसी नेता ने मेरी एक नहीं सुनी, फिर मैंने जिद किया इस लड़की को जिताऊंगा। पूरे वार्ड के समाज के लोग आए मेरे पास, इसको टिकट दिलाया, अपन काम कर रहे हैं अपन। BJP 0/0 जमा जब तक BJP की। हेलो लखू भाई कोटवानी, मनोज फुलवानी है, जमान जब तक जाए उसकी।